मौज मस्ती चरण पर पी के श्रीवास्तव आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से आ गया हूँ दोस्तों। अखबार के न्यूज लेकर देखिए, हिंदुस्तान का न्यूज है दोस्तों, क्या करा है देखिए। झपहा ओपी के सामने हाईवे पर वाहन जांच के लिए खड़े शिक्षक हादसे का शिकार, यानी वाहन जांच के लिए जो है ना दोस्तों जो है ना हादसे का शिकार हो गया एक शिक्षक दोस्तों। हमले के बाद पुलिस ने रौदा दौड़कर पीटा। देखिए, शिक्षक को बोलोरे ने रौंदा, पुलिस वैन फूकी, ठीक है, पुलिस जो है ना वैन को फूक दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर की वारियत है दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि क्या है। देखिए क्या करा है मुजफ्फरपुर वारिया, ठीक है, संवाददाता। अहियापुर के झपहा ओपी के सामने सोमवार सुबह 7 बजे वाहन चेकिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रक की ठोकर से बेकाबू बोलेरो ने चेकिंग के लिए बाइक के साथ खड़े शिक्षक आलोक रंजन 30 वर्षीय को रौंद दिया। शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 100 मीटर तक आलोक का 100 का वाहन एनएच पर घिसता रहा। बहुत दुखद की बात है दोस्तों, बहुत दुखद की 100 मीटर तक, आप समझो 100 मीटर तक कहां तक जो है ना, 100 मीटर तक देखिए 100 का बाइक जो है ना एनएच पर घिसता रहा, इसमें से 100 विघत हो गया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने, स्वाभाविक बात है दोस्तों, आक्रोशित में जब इस तरह का दर्दनाक घटना होगा तो स्वाभाविक तो होगा ही उसे। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, और थोड़ा आप लोगों को दुर्घटना में शिक्षक की मौत पर फूटा आक्रोश, यही है दोस्तों, यही शिक्षक का जो है ना दोस्तों मौत हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, यही शिक्षक है दोस्तों, इन्हीं का जो है ना मौत हो गया, और 100 मीटर तक इसी का लाश जो है ना ट्रक से घिसाता रहा दोस्तों। तो चलिए आगे के अखबार देखते हैं। अब जो है ना दोस्तों आप लोग जो है क्या कीजिएगा कि पूरा डिटेल के साथ जो है ना आप अपना देख लीजिएगा इस सब में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हेडलाइंस की ओर आगे की तरफ चलते हैं। 6 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। पुलिस पर हमले में DSP समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी हुए घायल, कितना आधा दर्जन यानी 6 पुलिसकर्मी जो है ना घायल हो गया। अहियापुर के झपहा गांव के सामने हाईवे पर चल रही थी वाहन चेकिंग, कहाँ चल रहा था दोस्तों, अहियापुर के झपहा ओपी के सामने, ठीक है। परिजन व आरोप वसूली के लिए पुलिस को आधे घंटे तक रोक रखा था, पुलिस जो है ना आधे घंटे तक रोक रखा था। इसके बाद देखिए तीन नंबर में देखिए क्या है, 3 घंटे तक चलता रहा झपहा में बवाल, यानी बवाल जो है ना 3 घंटे तक लगातार चलता रहा। विधि व्यवस्था बिगड़ने व वाहन जलाने के मामले में FIR दर्ज की जाएगी। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के दौरान दोषी पाए जाने वाले पुलिस पदाधिकारी व जवान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जयशंकर खान SP, देखिए यहाँ पर कागजात दिखाने के बावजूद नहीं जाने दिया, दोस्तों ये पुलिसकर्मी के बहुत जो है ना हम घटिया हरकतें समझते हैं, इसलिए कि जो कागज जो भी गाड़ी का अगर कागजात है अगर आप उसे देख लिया, वाहन चेकिंग हो गया तो आप उसे जाने दीजिए, अगर आप जाने दिए रहते तो इस तरह का घटना नहीं घटता। स्थानीय महेश सहनी ने बताया कि करीब 6:30 बजे बाइक सवार युवक झपहा में गुजर रहा था, वहीं मौजूदा पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। गाड़ी के पेपर आदि जांच की सभी ठीक होने पर भी प्रदूषण वाहन पत्र मांगा, वह भी दिखा गया, उसके बावजूद पुलिस उसे नहीं जाने दिया। दोस्तों देखिए अगर जाने दिया रहता तो क्या इस तरह का घटना घटते, नहीं घटते। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है देख लीजिए क्या करा है, ये भी परिजनों का आरोप पुलिस ने बेरहमी से पीटा, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो है पूरा जो निलंबित के साथ आप लोग देख लीजिएगा क्या है बायोडाटा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, ओके बाय।